चाहे जितनी भी दौलत हासिल कर लें, कुछ लोग कमतर होते हैं और कमतर ही रहते हैं, शक्ल से भी और नस्ल से भी। मुंह में सोने का चम्मच लेकर भी पैदा हो जाए तो फिर भी कुछ लोग बेवकूफ होते हैं और बेवकूफ रहते हैं, शक्ल से भी और अकल से भी। मत भूलो कि ये दौलत, ये शान और शौकत तुम्हें भीख में मिली है, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। तुम्हारा इस कदर इतराना बनता नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है मेरे मालिक की अमानत है और हकदारों का हक। मैं ना तो तुम्हारी तरह गधा हूं और ना ही मैं गिद्ध हूं। फरीजाद, पीजेड मीर, तुम्हारे जैसों के लिए मैं पीजेड मीर हूं और मैं तुम्हें यहां कुछ ऐसा बताने आया हूं जिसे सुनकर तुम वापस इसी कुर्सी पर बैठ जाओगे, खड़े नहीं रह पाओगे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो तुम्हें कुछ देर बाद पता चल जाएगा जब तुम्हारे सारे शेयर्स गिर चुके होंगे और तुम दिवालिया नहीं कंगले हो चुके होगे। और हाँ, इस बात का मैंने अच्छे से इंतजाम कर दिया कि तुम्हें कहीं से भीख भी ना मिले। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा पी सेट मीर। तुम बर्बाद हो चुके हो। स्टूडेंट लगते हो। मालिक, हमें चलना चाहिए, यहाँ पे खतरा हो सकता है। जिंदगी से भी बड़ा कोई खतरा हो सकता है। क्या खूब कहा है किसी ने, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। तुम्हें तो इस वक्त पढ़ाई में मसरूफ होना चाहिए। मैंने कॉलेज छोड़ दिया है सर। क्यों? मेरे पास फीस के पैसे नहीं थे और मेरे माँ बाप और छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पे आन पड़ी थी। तो दुनिया ने तुम्हारा इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। दुनिया तो सिर्फ ठुकराना जानती है सर। एक वक्त था कि लोग मुझसे हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते थे और आज मेरी एक नजर के लिए कतार में खड़े रहते हैं। सर,
क्या मैं भी आपकी तरह बड़ा आदमी बन सकता हूँ? बड़ा आदमी यानी दौलतमंद? बड़ा आदमी बनने के लिए दौलत की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये दुनिया तो सिर्फ दौलत को सलाम करती है और स्टेटस के आगे झुकती है। काफी ज़हीन मालूम होते हो। अभी तो मेरे पास वक्त कम है, फिर कभी तुमसे ढेर सारी बातें होंगी दुनिया के बारे में, दौलत के बारे में। फिलहाल तुम मेरे आदमी को अपने घर का एड्रेस दे दो और तुम बाकायदगी से कॉलेज जाओगे कल से। थैंक यू सर। होगी ये बिजनेस की बातें, कभी कभी मुझे अपने साथ भी रह लेने दिया करो। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, वेलकम टू माय प्रोग्राम। मैं हूँ आरजे सुंदर हयात और आप सबको मेरे प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमेशा की तरह आज भी मैं अपने प्रोग्राम का आगाज अपने पसंदीदा शायर परिजात की एक इंतहाई खूबसूरत और रोमानवी नज्म सुनाकर करूंगी। तेरे लहजे भी जुदा, तेरी हर एक बात कमाल। तेरे लहजे भी जुदा, तेरी हर एक बात कमाल। ये तेरा दिल भी अलग सा है, तेरी जात कमाल। और तेरे लम्स की हिद्दत भी तेरा साथ कमाल। तेरे होने से मेरी जान, मेरे दिन रात कमाल। तुम वही हो कि जिसे दिल ने मेरे मांगा था, बात वो तुम हो जिसे मैंने सितारों से कहा। बात वो तुम हो जिसे मैंने सितारों से कहा। तुम वो ख्वाहिश हो जिसे दिल ने बहारों से कहा। सच यही तो मेरी आंखों ने सितारों से कहा। राज तुम हो जिसे मैंने था इशारों से कहा। तुम वही हो कि जिसे दिल ने मेरी मांगा था। तुम वही हो कि जिसे दिल ने मेरे मांगा था।